mathematical station. This is chapter number 7, fraction of class 6. Exercise 7.3, question number 6. Check whether the given fraction are equivalent. यहाँ पे मेरे पास फ्रैक्शंस के कुछ पेयर हैं, हमें उन पेयर को बताना है कि ये पेयर हमारे फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं. फर्स्ट इज द ए पार्ट, 5/9 एंड 30/54. ये दो फ्रैक्शन का एक पेयर है जिसमें से एक फ्रैक्शन है 5/9, दूसरा फ्रैक्शन है 30/54. हमें बताना है क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं. ये दोनों ऐसे तो इक्वल नहीं होंगे, 5/9 30/54 के इक्वल नहीं है. तो हम इसको अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 5/9 के अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 30/54 बना देते हैं, या फिर 30/54 को लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करके 9/5/9 बना देते हैं. दोनों में से किसी भी नंबर को हम चेंज करके दूसरे वाले की वैल्यू के इक्वल बना देते हैं तो ये फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, अदरवाइज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका. फर्स्ट है इसमें 5/9. अगर हम 5/9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 30/54 बना देते हैं तो ये दोनों फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट होंगे. सो हम क्या करेंगे, 5/9 इन दोनों को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि फ्रैक्शन हमारा 30/54 बन जाए. लेकिन जिस नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो वैल्यू है, हम दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लेंगे. सपोज हमने यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू ले ली है 30. सो अब हम क्या करेंगे, 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारा 30 आ जाए. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे. 30 को 5 से डिवाइड करने पर आएगा 6, क्योंकि 5 की टेबल में 36 पर आता है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 30. अब हम 9 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/6 = 54. 9/6 होता है 54. सो आंसर क्या आया है हमारा, 30/54, जो कि इस वाले नंबर सेकंड वाला जो नंबर है 30/54 इसके इक्वल है. सो 5/9 और 30/54 जो है ये दोनों हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है. सो ये हो जाएगा 5/9 एंड 30/54 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट इज द बी पार्ट, 3/10 एंड 12/50. यहाँ पे हम दोनों में से कोई सा भी एक नंबर ले लेंगे, लाइक हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू ले ली 3/10, जो छोटी वाली वैल्यू है दोनों में से वो हमने ले लिया है. अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई सी भी एक वैल्यू ले लेंगे हम. इस वाले क्वेश्चन में हमने न्यूमरेटर लिया था, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर लेके देखते हैं. सपोज हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लिया है 50, जो कि यहाँ की वैल्यू है, कोई वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली है. अब हम क्या करेंगे, 10 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारे पास 50 आ जाए. तो नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 को 10 से डिवाइड करेंगे. 50 को 10 से डिवाइड करने पे आएगा 5. सो इस 10 के हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से. 10 × 5 = 50, डिनोमिनेटर तो हो गया हमारा. अब जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो जाएगा 3 × 5 = 15. सो ये जो 15/50 है ये 12/50 के तो इक्वल नहीं है. यहाँ पे तो हमारी दोनों वैल्यूज अलग अलग हो गई है. सो ये दोनों फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे. ये हो जाएगा सो 3/10 एंड 12/50 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट इज द सी पार्ट, 7/30 एंड 5/11. अब हम ये दोनों फ्रैक्शन नंबर चेंज कर चेक करेंगे क्या ये फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं. फर्स्ट इसमें से अगर हम फर्स्ट वाला फ्रैक्शन लेते हैं 7/30, क्या
5/11। 5 छोटी वैल्यू है, 7 बड़ी वैल्यू है। 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आए, 5 आएगा। एंड 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, जो कि 7 से बड़ी वैल्यू है। तो 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, 5 कभी भी 7 नहीं बनेगा। सो ये दोनों फ्रैक्शन ऐसे हैं हमारे जो एक फ्रैक्शन से दूसरा फ्रैक्शन हम इसमें नहीं बना सकते। इसको चेक करने का हमारे पास एक और तरीका होता है कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। दूसरे तरीके से हम कैसे चेक करेंगे, एक मेथड होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, अगर हम इस मेथड से चेक करते हैं कि ये फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, इस मेथड से हमें थोड़ा और इजी पड़ जाता है। सो कैसे चेक करेंगे, 7/13 एक फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन है हमारे पास 5/11। इन दोनों फ्रैक्शन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस वाले नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो उसके अपोजिट साइड पे जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी, एंड इस डिनोमिनेटर के इस न्यूमरेटर से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बीच में क्रॉस का साइन बन जाता है। ये जो हमारा साइन होता है इसको हम क्रॉस साइन भी बोलते हैं और इसको हम मल्टीप्लीकेशन साइन भी बोलते हैं। सो इसलिए ये होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 7/11 = 5/13। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो दोनों आंसर इक्वल हुए तो ये दोनों फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। सो 7 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 77, 5 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 15 का 5 यहाँ कैरी जाएगा 1, 5 × 1 = 5 एंड 5 + 1 = 6, सो ये हो जाएगा 65। 77 जो है वो 65 के इक्वल नहीं है, सो ये दोनों फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। सो ये होगा, सो 7/13 एंड 5/11 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ question number 6 एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माय चैनल।